नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आखिर कानपुर वाले विकास दुबे के हाथों में मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने हाथकड़ियां लगा ही दी। पिछले 6 दिनों से यूपी पुलिस के हाथ नहीं लगने वाले विकास दुबे ने महाकाल की शरण में जाने के बाद खुद ही कह डाला कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। लेकिन अब विकास दुबे की गिरफ्तारी या फिर सरेंडर, जो भी हो, लगता है खेल पूरी तरह नाटकीय है। दरअसल जो तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं वो भी कई सवाल खड़े करते हैं, और सवाल ये भी कि आखिर विकास दुबे क्यों चिल्लाया कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डीएसपी सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने वाहवाही लूट ली है, और आखिर लूटे भी क्यों ना। 5 लाख का इनामी बदमाश उसके हाथों में आ गया, और ये विकास दुबे वो शख्स है जिस पर 7 दिनों में 4 बार इनाम की रकम बढ़ाई जा चुकी है। 50,000 से शुरू हुई वो रकम आखिर 5 लाख तक पहुंच गई, क्योंकि आखिर वो विकास दुबे था जिस पर यूपी पुलिस में यूं तो करीब 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस पर करीब 150 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। वाकई खतरनाक शातिर बदमाश जो यूपी पुलिस को गच्चा दे गया और यूपी पुलिस के 8 वर्दी वालों की जान भी ले गया। लेकिन सवाल ये कि कानपुर से उज्जैन तक यानी करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला विकास दुबे आखिर आसानी से वहां कैसे पहुंच गया। देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के पुलिस विकास की तलाश में थी, लेकिन किसी को खबर नहीं लगी, ना तो विकास की और ना ही उसके रास्तों की। लेकिन जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास सामने आया तो फिर खाकी ने भी अपनी कॉलर ऊंची कर ली। दरअसल इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब यूपी पुलिस घटना के वक्त से ही विकास की तलाश में थी और चप्पे चप्पे पर उसकी जांच भी जारी थी, लेकिन यूपी की खाकी फेल हो गई। ये शातिर करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक जा पहुंचा। जाहिर है कि वो सड़क के रास्ते से ही वहां पहुंचा होगा, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। दरअसल विकास की गिरफ्तारी के बाद कहा यह भी जा रहा है कि मामला पूरा नाटकीय है, सब कुछ सोचा समझा है और प्लानिंग वाला है। जाहिर है कि जब यूपी पुलिस पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल करेगी तो राज भी खुलेंगे, और माना जा रहा है कि जब खाकी की पड़ताल होगी तो विकास और उसकी सियासत के राज भी शायद खुल जाएं। गुरुवार सुबह करीब 8 बजे उज्जैन में जो कुछ हुआ वो वाकई चौंकाने वाला रहा। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मामले में कानपुर के 2 वकीलों का भी रोल रहा है, लेकिन वो क्या रहा फिलहाल ये तो साफ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है कि विकास दुबे कोई आम अपराधी नहीं बल्कि शातिर बदमाश था, और शायद उसे ये भी डर था कि कहीं यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, और शायद उज्जैन में जो तस्वीर तैयार हुई वो भी पूरी प्लानिंग का ही हिस्सा थी। बहरहाल अब राज भी खुलेंगे, उलझे तार भी सुलझेंगे, लेकिन वो तब जब यूपी पुलिस बिना किसी सियासी दबाव में हो। बहरहाल आने वाली तस्वीर कैसी होगी ये देखना भी बेहद जरूरी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो चौंकाएंगी जरूर। नमस्कार।